नमस्कार दोस्तों, मैथ्स विद गजानन में हम पढ़ रहे हैं समाकलन। समाकलन की लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन, जिसमें हमारा दूसरा मेथड था इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन। ठीक है, तो उसमें हमने ये सीखा था कि हम आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन का यूज कहाँ करेंगे और किस तरीके से करेंगे, और इन पे बेस हमने एग्जाम्पल किए थे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.5। इससे जो आगे की जो हमने एग्जाम्पल थे वो हमने कर लिए थे कल की क्लास में, तो आज की क्लास में हम एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं। एक्सरसाइज 7.5, देखिए इससे रिलेटेड जितने भी थ्योरी थी वो मैंने हमने पिछली क्लास में पढ़ा चुका हूँ, जिसमें मैंने कंप्लीट आपको पूरे बेसिक तरीके से आपको सिखाया है, और इन पे बेस किताब के जो एग्जाम्पल थे वो भी आपको बिल्कुल पूरे एग्जाम्पल करवाए हैं। तो आपको अब आज की क्लास में हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 7.5। ठीक है, 7.5 देखिए, 7.5 का पहला क्वेश्चन अपन लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, समाकलन अक्स अपॉन अक्स प्लस 1 अक्स प्लस 2 इंटू dx। ठीक है, इसका आपको समाकलन करना है। तो देखिए पिछले क्लास में हमने पहला टाइप यही पढ़ा था कि 1 अपॉन अक्स माइनस ए अक्स माइनस बी हो तो हम उसे आंशिक भिन्नों में वियोजित करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन इसे आंशिक भिन्नों में वियोजित करते हैं। तो देखिए अक्स अपॉन अक्स प्लस 1 अक्स प्लस 2, इसे हम क्या लिख सकते हैं, ए अपॉन अक्स प्लस 1 प्लस बी अपॉन अक्स प्लस 2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ए और बी जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हम दोनों तरफ एलसीएम लेके यहाँ पे एलसीएम लेते हैं। तो देखिए यहाँ बन जाएगा ए एक्स प्लस 2 प्लस बी एक्स प्लस 1, और नीचे एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 एलसीएम आएगा जो यहाँ से कट जाएगा और यहाँ पर केवल एक्स बचेगा। अब देखिए यहाँ से ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है, आपके पास दो तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि आप यहाँ से ए एक्स प्लस बी एक्स इस तरीके से पूरा ओपन करके अक्स का कोफिशियंट निकाल लीजिए और जो कांस्टेंट है और उसकी तुलना कर लीजिए। तो यहाँ से अक्स के कोफिशियंट की तुलना करेंगे तो यहाँ से ए प्लस बी में कुछ भी इक्वेशन बन जाएगी और एक कांस्टेंट में बन जाएगी, तो यहाँ से ए और बी निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका अपना मैंने ये सिखाया था कि यहाँ से देखिए ए और बी याद करना है तो हम पहले क्या करेंगे, ए फाइंड करना है तो हम अक्स की जगह माइनस 1 पुट कर देंगे। अक्स की जगह माइनस 1 पुट करेंगे तो देखिए ये तो ये टर्म्स पूरी जीरो बन जाएगी और ये टर्म्स से यहाँ पर ए की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ अक्स इक्वल टू माइनस 1, अक्स इक्वल टू माइनस 1 पुट करते ही देखिए यहाँ बन गया माइनस 1 इक्वल टू ए, यहाँ पे माइनस 1 प्लस 2 और ये तो टर्म्स पूरी जीरो बन जाएगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ से आपके पास ए की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से 1 बचेगा और यहाँ से माइनस 1 है तो ए की वैल्यू आपके पास आ गई माइनस 1। इसी तरीके से अगर हमें बी की वैल्यू फाइंड करनी है तो यहाँ से एक्स की जगह माइनस 2 पुट कर देंगे तो ये टर्म्स पूरी जीरो बन जाएगी और बी की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए मैं यहाँ पुट कर देते अपन एक्स इक्वल टू माइनस 2, तो देखिए माइनस 2 पुट करेंगे तो एक्स की जगह माइनस 2 पुट किया, माइनस 2 इक्वल टू ये टर्म्स पूरी जीरो बन जाएगी, ये जीरो प्लस बी, यहाँ पे मैंने माइनस 2 पुट किया, माइनस 2 प्लस 1। तो देखिए बी की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ से माइनस बी आएगा, माइनस बी आएगा और यहाँ से माइनस 2 है तो माइनस से तो माइनस कट जाएगा और यहाँ पे क्या बच जाएगा बी की वैल्यू 2। तो हमारे पास ए की वैल्यू आ गई और बी की वैल्यू आ गई। अब देखिए ए की और बी की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, अब हम इनका समाकलन करेंगे। तो देखिए इनका समाकलन करेंगे तो हमारे पास जो ये टर्म्स थी ये क्या बन जाएगी, इसका समाकलन ए की वैल्यू हमारे पास क्या आई माइनस 1, तो माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स, और इसे मैं क्या लिख सकता हूँ प्लस बी की वैल्यू क्या आई 2, तो 2 बटी एक्स प्लस 2 इंटू डी एक्स। अब देखिए इनका समाकलन करना इजी है, इनका समाकलन कर देंगे, इसका समाकलन क्या होगा माइनस तो बाहर आ जाएगा माइनस, और 1 अपॉन समथिंग 1 अपॉन x है, 1 अपॉन x का समाकलन क्या होता है log x, तो x प्लस 1 है तो इसका समाकलन क्या हो गया log x प्लस 1, ये हो गया। यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा और 1 अपॉन x प्लस 2 है तो इसका समाकलन क्या होगा log mod x प्लस 2, और एक नियतांक कॉन्स्टेंट c। अब देखिए log इसे हम क्या लिख सकते हैं, ये 2 बाहर है log की प्रॉपर्टी से ये स्क्वायर में चला जाएगा,
तो माइनस लॉग एक्स प्लस वन प्लस, इससे मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस सी। अब देखिए लॉग एम माइनस लॉग एन, लॉग एम इसे आप एम मान लीजिए टोटल को, ये तो एम है और ये इसे मान लीजिए एन। तो देखिए लॉग एम माइनस लॉग एन क्या होता है, एक बार लिख लेता हूँ यहाँ पे, लॉग एम माइनस लॉग एन ये होता है लॉग एम अपॉन एन, एम अपॉन एन। तो देखिए हमारे पास आंसर आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, लॉग एम की वैल्यू एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वन और कांस्टेंट सी, ये हमारा आंसर। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपको दे रखा है वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस नाइन इंटू डी एक्स, ठीक है, इसका आपको समाकलन करना है। तो देखिए एक तो तरीका आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला है ए वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होगा, वन अपॉन टू ए, ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है थ्री का होल स्क्वायर होगा, तो वन अपॉन टू ए, टू इंटू थ्री, वन अपॉन टू ए लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, तो वन अपॉन सिक्स लॉग एक्स माइनस थ्री अपॉन एक्स प्लस थ्री, ये तो हो गया आपके पास शॉर्ट, बिल्कुल आपके पास जैसे फॉर्मूला है फॉर्मूले का डायरेक्ट आपने सॉल्यूशन कर दिया। अगर आप इसे मेथड से करना चाहो, आपके पास जो पार्शियल फ्रैक्शन का मेथड था इससे अगर आप क्वेश्चन करना चाहो तो देखिए यहाँ से हम क्या लिखेंगे, इसे इसे मैं लिख लेता हूँ, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस नाइन है तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है एक तरीके से इसे मान लो, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है एक बार प्लस लिख दो ए प्लस बी और एक बार ए माइनस बी इस तरीके से। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस नाइन को आप क्या लिख सकते हो, एक्स प्लस थ्री और एक्स माइनस थ्री, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखिए इसे हम क्या लिख देंगे फ्रैक्शन में, जैसे ही तोड़ेंगे तो वन अपॉन एक्स प्लस थ्री प्लस बी अपॉन एक्स माइनस थ्री, यहाँ तक ठीक है। अब हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो देखिए यहाँ से वन इक्वल टू ए एक्स माइनस थ्री प्लस बी एक्स प्लस थ्री, ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ए और बी की वैल्यू के लिए, ए की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, एक्स की जगह माइनस थ्री पुट कर देंगे, तो पुट एक्स इक्वल टू माइनस थ्री, एक्स की जगह जैसे ही माइनस थ्री पुट करोगे तो यहाँ से ये टर्म्स जीरो बन जाएगी, और यहाँ से देखिए ए माइनस थ्री माइनस थ्री माइनस सिक्स होगा, तो ए की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, यहाँ से वन है तो माइनस का वन बाई सिक्स। अगर हम यहाँ से एक्स की जगह तीन पुट कर दें, एक्स की जगह थ्री पुट करेंगे तो ये टर्म जीरो बन जाएगी, बी की वैल्यू आएगी, तो यहाँ से देखिए ये टर्म जीरो बन गई, बी की एक्स की जगह थ्री पुट किया तो बी थ्री प्लस थ्री सिक्स हो गया, तो वन बाई सिक्स, तो हमारे पास बी की वैल्यू आ गई वन बाई सिक्स, ये आ गई। अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, इसका समाकलन करना है, तो देखिए यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, इसका समाकलन जब करेंगे, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक, यहाँ से इसका समाकलन क्या होगा, ए अपॉन एक्स प्लस थ्री, ए अपॉन एक्स प्लस थ्री, ए की वैल्यू पुट कर दीजिए, माइनस का वन बाई सिक्स है, माइनस का वन बाई सिक्स वन अपॉन एक्स प्लस थ्री इंटू डी एक्स, और बी की वैल्यू क्या है वन बाई सिक्स, वन बाई सिक्स समाकलन वन अपॉन एक्स माइनस थ्री, इसका समाकलन कर दीजिए, इसका समाकलन क्या होगा, यहाँ से वन बाई सिक्स तो कॉमन आ गया, यहाँ से देखिए माइनस का लॉग मोड एक्स प्लस थ्री, और यहाँ से देखिए ए तो कॉमन आ गया, और इसका क्या होगा लॉग मोड एक्स माइनस थ्री प्लस सी, ये होगा। अब देखिए लॉग एम माइनस लॉग एन, लॉग एम माइनस लॉग एन, अभी मैंने आपको बताया था लॉग एम माइनस लॉग एन क्या होता है, लॉग एम अपॉन एन, एम की वैल्यू एक्स माइनस थ्री अपॉन एन की वैल्यू क्या है एक्स प्लस थ्री प्लस सी। देखिए हमारे पास यही सेम आंसर आ रहा है, फॉर्मूले से भी यही आया था, और जैसे अपन सोल्व करें पार्शियल मेथड से तो एक तरीके से इसका प्रूफ भी हो गया कि हम ये जो फॉर्मूला आता है ये फॉर्मूला कहाँ से आता है, इस मेथड द्वारा हम सब सोल्व करते हैं तब हमारे पास इस तरीके से फॉर्मूला आता है। तो देखिए ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए तीसरा क्वेश्चन आपको दे रखा है थ्री एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री,
ठीक है। तो पहला हमारा काम है इसे फ्रैक्शन में तोड़ना, ठीक है। तो इसे फ्रैक्शन में जब तोड़ेंगे तो 3x-1 अपॉन x-1 x-2 x-3, इसे हम क्या लिख सकते हैं, a अपॉन x-1 प्लस b अपॉन x-2 प्लस c अपॉन x-3। देखिए आपको पिछली क्लास में मैंने आपको कंप्लीट बेसिक तरीके से बिल्कुल धीरे धीरे आपको समझाया है, तो आप पहले पिछली वीडियो को देखें और उसके बाद में आप 7.5 करें, ठीक है। तो उससे आपको बेस्ट तरीके से, आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि मैंने पिछली क्लास में आपको ये टोटल जितने भी ये टाइप हैं ये कंप्लीट आपको एग्जाम्पल के थ्रू करवा दिए हैं। तो आज तो केवल हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो जिस पे हम थोड़ा फास्ट भी करेंगे, क्योंकि हम पिछली क्लास में बिल्कुल धीरे 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 हम कर चुके हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में हम देखते हैं, ठीक है। ए अपॉन इस तरीके से अपन फ्रैक्शन में तोड़ देंगे। अब ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 3x-1 इक्वल टू ए, यहाँ से देखिए एलसीएम आएगा, तीनों टर्म्स आएगी, तो यहाँ से ये हट जाएगी, बाकी ये आ जाएगी x-2 x-3 प्लस बी, यहाँ से देखिए ये हट जाएगी, बाकी ये आ जाएगी x-1 x-3 प्लस सी x-1 x-2, इस तरीके से आएगी। तो यहाँ से ए बी और सी की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, तो ए बी सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, एक तो हमारा तरीका अक्स की वे कोफिशियंटों की तुलना करना। तो यहाँ से तो देखिए यहाँ से सब कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट बनेगी, अपना ही तरीका लगाते हैं अपन ए बी सी फाइंड करने का। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, पुट ए की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो देखिए यहाँ से, यहाँ देखिए x-1 है, x-1 है, तो x की जगह अगर हम 1 पुट कर दें तो ये भी टर्म 0 बन जाएगी, ये भी टर्म 0 बन जाएगी। तो हम x की जगह पुट कर देते हैं 1, अक्स की जगह जैसे ही मैंने 1 पुट किया तो ये टर्म्स और ये टर्म्स दोनों 0 हो गई, ये टर्म्स बचेगी। तो यहाँ से देखिए 3-2, यहाँ तो बच जाएगा 2, ठीक है, 1 में है 3-1, यहाँ अक्स की जगह 1 पुट किया तो 3-1 2 इक्वल टू ए, अक्स की जगह 1 पुट किया यहाँ पे आएगा -1, यहाँ पे 1 पुट किया यहाँ आएगा -2, ठीक है। तो देखिए ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, ए की वैल्यू हमारे पास आ गई, यहाँ से देखिए प्लस का 2 आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 1, पहले ए की वैल्यू आ गई। अब देखिए यहाँ से हम और क्या पुट कर सकते हैं, x-2 है, यहाँ से x की जगह 2 पुट करेंगे, ये टर्म 0 बन जाएगी, ये टर्म 0 बन जाएगी, तो पुट x इक्वल टू 2। तो x की जगह आप 2 पुट करेंगे तो ये टर्म्स और ये टर्म तो 0 बन गई, यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो यहाँ से जब पुट करेंगे x की वैल्यू 3 × 6 -5, ठीक है, -1 5 बन जाएगी, ये 0, यहाँ से b x की जगह 2, तो यहाँ तो देखिए 1 बनेगा और यहाँ से -1 बनेगा, 2 - 1 1 2 - 3, ठीक है। तो यहाँ से -1 बनेगा यानी -b आएगा, ठीक है। तो हमारे पास b की वैल्यू क्या आ गई, -5। इसी तरीके से अपन c की वैल्यू निकाले, तो c की वैल्यू के लिए क्या करना पड़ेगा, x की जगह 3 पुट कर दो, x की जगह 3 पुट करेंगे तो देखिए 3 × 3 = 9, 9 में से ये गया 8, यहाँ से ये 0 बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा, और यहाँ से 3 पुट करेंगे तो 3 - 1 यहाँ 2 बचेगा और यहाँ पे 1, तो 2 c आ रहा है यहाँ से। देखिए यहाँ से c की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 4। अब हमें इनका समाकलन करना, a b c की वैल्यू पुट करनी है और हमारा समाकलन होगा, ठीक है। तो देखिए पहला a की वैल्यू क्या है, 1, तो समाकलन a अपॉन, तो 1 अपॉन x-1 × dx प्लस b की वैल्यू आई हमारे पास -5, तो समाकलन -5 अपॉन x-2 × dx प्लस c की वैल्यू 4 / x-3 × dx। अब इनका अलग अलग समाकलन कर दीजिए, इनका समाकलन क्या होगा, इसका समाकलन हो गया log mod x-1, यहाँ से -5 बाहर आ जाएगा तो माइनस का 5 बाहर आ गया, और log इसका समाकलन क्या हो जाएगा, log mod x-2 प्लस 4 बाहर आएगा, इसका समाकलन क्या हो जाएगा, प्लस 4 log mod x-3 प्लस c, ये हमारा आंसर। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल सिंपल है, 3 स्टेप में करना है, पहले इसे फ्रैक्शन में तोड़ना है, फिर ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है और फिर इनका समाकलन करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, अक्स अपॉन x-1 x-2 x-3, पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, ठीक है। तो इसे हम सबसे पहला हमारा स्टेप क्या है, फ्रैक्शन में तोड़ना, तो हम इसे फ्रैक्शन में तोड़ते हैं पहले। तो देखिए यहाँ पर डायरेक्ट कर लेता हूँ, ए अपॉन
x minus 1 plus b upon x minus 2 plus c upon x minus 3। इसे फ्रैक्शन में तोड़ देंगे। अब हमें क्या करना है, ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x इक्वल टू a, यहाँ से देखिए ये हट जाएगा, बाकी आ जाएगा x माइनस टू एक्स माइनस थ्री प्लस बी, यहाँ से x माइनस वन एक्स माइनस थ्री प्लस सी एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू। अब देखिए ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है, वही पिछला तरीका लगाएंगे अपन। पुट x इक्वल टू, क्या पुट करेंगे, देखिए ए की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ से x माइनस वन है, x माइनस वन है, x की जगह वन पुट कर देंगे, x की जगह वन पुट करेंगे तो ये टर्म्स और ये टर्म्स तो जीरो बन जाएगी, और यहाँ से आएगा हमारा ए की वैल्यू, तो वन इक्वल टू ए, यहाँ से वन पुट करेंगे माइनस वन आएगा, यहाँ वन पुट करेंगे माइनस टू आएगा। तो देखिए ए की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस वन, माइनस टू क्या बन जाएगा प्लस का टू, तो ए की वैल्यू आ गई वन बाई टू, ए की वैल्यू आ गई वन बाई टू। अब हमें ज्ञात करना है बी की वैल्यू, ठीक है। तो पुट x इक्वल टू, देखिए यहाँ पे x माइनस टू है, x माइनस टू है, x की जगह टू पुट कर देंगे, x की जगह टू पुट करेंगे तो टू इक्वल टू, ये जीरो बन जाएगा, ये जीरो बन जाएगा, और यहाँ से पुट करेंगे, देखिए टू माइनस वन वन बनेगा, टू माइनस थ्री माइनस का भी बनेगा, ठीक है, माइनस कंप्लीट बन जाएगा माइनस का भी। देखिए हमने टू पुट किया, टू माइनस वन, यहाँ से वन बचेगा और यहाँ से माइनस वन, तो बी की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस टू, बी की वैल्यू आ गई माइनस का टू। इसी तरीके से आप पुट कर दीजिए एक्स इक्वल टू थ्री, तो यहाँ से सी की वैल्यू आएगी, ये टर्म्स जीरो बन जाएगी, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा सी की वैल्यू थ्री इक्वल टू थ्री माइनस वन, टू बचेगा, यहाँ पे वन बचेगा तो टू, सी यहाँ पे आ गया टू सी, तो सी की वैल्यू क्या आ गई थ्री बाई टू, थ्री बाई टू। अब देखिए यहाँ से समाकलन कर देंगे, इसका समाकलन क्या होगा, समाकलन ए की वैल्यू 1 बाई टू है, तो बाहर लिख लेता हूँ 1 बाई टू, वन अपॉन एक्स माइनस वन इंटू डी एक्स प्लस बी की वैल्यू पुट कर दीजिए माइनस टू है, माइनस टू समाकलन 1 अपॉन एक्स माइनस टू प्लस सी की वैल्यू क्या है 3 बाई टू इंटू समाकलन 1 अपॉन एक्स माइनस थ्री इंटू डी एक्स, ठीक है। अब हम समाकलन करेंगे, तो देखिए समाकलन क्या हो जाएगा, वन बाई टू लॉग मोड एक्स माइनस वन माइनस टू लॉग, इसका समाकलन एक्स माइनस टू प्लस थ्री बाई टू लॉग मोड एक्स माइनस थ्री प्लस सी। तो देखिए यहाँ से इसका समाकलन कर दिया, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए इजी क्वेश्चन है, तीन स्टेप में करना आपको सीधा, यहाँ से इसे वियोजन कर दो, आंशिक भिन्नों में तोड़ दो, ए बी सी की वैल्यू फाइंड कर लो और समाकलन कर दो, आपका आंसर। देखिए पाँचवें नंबर का आपको क्वेश्चन दे रखा है, टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू, ठीक है। तो आपके पास नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी है जिसके फैक्टर हो सके, तो मैंने पिछली क्लास में ही बताया था कि इसमें जो विधि है इसका यूज हम तभी कर पाएंगे जब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दे रखी है तो उसके फैक्टर हो, अगर फैक्टर नहीं होंगे तो ये विधि नहीं लगेगी। तो उसके लिए हम पिछले जो पीछे मैंने 7.4 करवाई थी उसमें जो विधि बताई थी उसके द्वारा हम करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 2x अपॉन x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 है, तो इसे क्वाड्रेटिक को हम फैक्टर में तोड़ेंगे, ठीक है। तो देखिए इसके फैक्टर करेंगे, तो इसके फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से x प्लस टू और x प्लस वन ये बन जाएगा। देखिए टू को हम क्या लिख सकते हैं, टू इंटू वन, और इसके योग के पदों में लिखना है तो टू और प्लस वन कर देंगे, तो x प्लस टू x प्लस वन इस तरीके से लिख देंगे। अब इसके आपको आंशिक भिन्नों में तोड़ना है, तो इसको क्या करेंगे, a अपॉन x प्लस टू प्लस बी अपॉन एक्स प्लस वन इस तरीके से। अब a और b की वैल्यू फाइंड करनी है अपने, तो 2x इक्वल टू ए एक्स प्लस वन प्लस बी एक्स प्लस टू, वही विधि हमारी, पुट x इक्वल टू माइनस टू, जब माइनस टू पुट करेंगे तो ये टर्म जीरो बन जाएगी, यहाँ से a की वैल्यू आएगी, तो देखिए माइनस टू पुट करेंगे यहाँ पे आएगा माइनस फोर इक्वल टू ए, यहाँ पे माइनस टू प्लस वन, माइनस का वन आएगा, तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई फोर,
ए की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई। इसी तरीके से अपन एक्स इक्वल टू -1 पुट करेंगे, तो -1 पुट करेंगे तो यहाँ तो आएगा -2, और यहाँ से ये यह टर्म 0 बन जाएगी, और यहाँ से b -1 प्लस 2, तो प्लस का 1 बचेगा, तो b की वैल्यू हमारे पास आ गई -2। b की वैल्यू -2 आ गई, तो अब इनका समाकलन कर देंगे। a की वैल्यू क्या है? 4, तो 4 को बाहर लिख लेता हूँ, 1 अपॉन x + 2। प्लस यहाँ पे b की वैल्यू -2 है, -2, और यहाँ पे 1 अपॉन x + 1। इसका समाकलन करेंगे, इसका समाकलन देखिए क्या हो जाएगा, इसका समाकलन यहीं पे लिख देता हूँ, ठीक है, 4 log mod x + 2 -2 log mod x + 1 प्लस सी। तो आपके पास एक ही फॉर्मूला लग रहा है समाकलन का, 1 अपॉन x का। 1 अपॉन x का समाकलन क्या होता है? लॉग x। बस आपको जितने भी क्वेश्चन हैं उसी में यही फॉर्मूला लग रहा है, फैक्टर करना है आपको, ये फॉर्मूला लगाना है। तो लॉग यहाँ पे आ गया, अगर आप यहाँ से 2 कॉमन लेना चाहो तो भी, या यहाँ तक ठीक है, ये आंसर हो जाएगा आपके पास, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, 1 - x² / 1 - 2x। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये देखिए यहाँ से क्वाड्रेटिक है और यहाँ से भी क्वाड्रेटिक है, तो एक इम्प्रॉपर फलन है, ठीक है। मैंने आपको उचित परिमेय फलन के बारे में बताया ना, कि उचित परिमेय फलन क्या होता है, जिसमें अंश में जो भी फलन है उसकी जो घात है वो हर में फलन है उसकी घात से हमेशा छोटी होगी, यानी जो ऊपर लिखा हुआ फलन है उसकी घात नीचे लिखे हुए फलन की घात से हमेशा छोटी होनी चाहिए, तभी हम इस विधि का हम यूज कर पाएंगे, वरना ये विधि फेल हो जाएगी, ठीक है, हम ये विधि काम में नहीं ले पाएंगे। तो देखिए यहाँ से ये x² है, और यहाँ से जब गुणा करेंगे तो देखिए ये क्या बनेगा, 1 - x² / x - 2x². देखिए यहाँ भी क्वाड्रेटिक है, यहाँ भी क्वाड्रेटिक है, यहाँ दो घात है, यहाँ भी दो घात है, इसका मतलब यह है उचित परिमेय फलन नहीं है, उचित परिमेय फलन नहीं है। तो हमें पहला काम क्या करना है, इसे उचित परिमेय फलन बनाना है। तो मैंने पिछली क्लास में भी बताया था कि उचित परिमेय फलन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, कि जो हर में जो फलन लिखा हुआ है वही फलन हम ऊपर बनाने की कोशिश करते हैं, और जो एक्स्ट्रा चीज़ है वो हम अलग लिख लेते हैं, भाई फिर हम डिवाइड करते हैं और फिर हमें उचित परिमेय फलन हमें प्राप्त होता है। या हमारा दूसरा तरीका ये है कि 1 - x² में आप इस टर्म्स का भाग देंगे तब हमारे पास उचित परिमेय फलन आएगा। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, अंश में जो हर में फलन लिखा हुआ है वही फलन बनाता हूँ। देखिए यहाँ से यहाँ पे x² है, यहाँ पे माइनस का 2x² है, यहाँ पे 2 है, तो पहला काम हमारा ये है कि ऊपर नीचे आप 2 से गुणा कर दो। तो देखिए मैंने 2 से ऊपर नीचे 2 से गुणा किया, तो देखिए यहाँ से बन गया ऊपर नीचे 2 से गुणा करते ये तो बन गया 2 - 2x², और नीचे है x - 2x², ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे x है तो हमें x की वैल्यू और x और होना चाहिए ऊपर। तो देखिए x करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं प्लस x कर देता हूँ और माइनस x लिख देता हूँ। अब देखिए नीचे जो आपके पास फलन दे रखा था x - 2x² ये बन गया क्या आपके पास, ठीक है, और ये जो प्लस का 2 था यहाँ पे, इसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे प्लस का 2, यहाँ पे प्लस का 2 आया, माइनस का 2x² प्लस x, तो ये तो टर्म्स आपके नीचे वाली पूरी की पूरी बन गई है, और जो एक्स्ट्रा चीज़ थी मैंने यहाँ पे लिख ली। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब अलग अलग डिवाइड कर दो आप, तो देखिए यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 1/2 x - 2x² में x - 2x² का भाग देंगे तो यहाँ तो बच जाएगा 1, तो यहाँ तो 1 बच गया, तो यहाँ से 1/2 ही बचेगा प्लस। अब देखिए यहाँ से मैं इसे लिख सकता हूँ 2 - x, पहले पॉजिटिव वैल्यू लिख लेता हूँ 2 - x अपोन, और यहाँ से जब हम भाग देंगे तो यहाँ से देखिए x माइनस, या इसी तरीके से x कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो 1 - 2x इस तरीके से बच जाएगा। मैंने वही टर्म्स लिखे जो आपके पास ये लिखी हुई थी, इसे यहाँ से x कॉमन ले लिया 1 - 2x, और यहाँ से 2 - x इसमें भाग दिया इसका, तो ये बन गया, और यहाँ से 1/2 इसके साथ भी आएगा तो इसके साथ आएगा, तो 1/2। अब आपके पास ये दो फलन बन गए, इसका आप समाकलन कर सकते हो, और इसका हमें समाकलन करना है फ्रैक्शन विधि द्वारा। तो इसका हम समाकलन करेंगे तो देखिए 2 - x / x 1 - 2x। अब देखिए उचित परिमेय फलन बन चुका है, तो अब हम इसे
फ्रैक्शन में तोड़ देंगे, ए अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन वन माइनस टू एक्स, ए अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन वन माइनस टू एक्स। तो देखिए यहाँ से टू माइनस एक्स इक्वल टू ए वन माइनस टू एक्स प्लस बी एक्स बनेगा। ए और बी की वैल्यू की याद करनी है तो ए की वैल्यू हम ज्ञात करेंगे, तो यहाँ से देखिए एक्स की वैल्यू मैं जीरो पुट कर देता हूँ, एक्स की वैल्यू हम जीरो पुट करेंगे तो ये टर्म्स जीरो बन जाएगी और ये टर्म्स जीरो बनेगी, तो यहाँ से ए की वैल्यू आ गई हमारे पास दो, ए की वैल्यू आ गई हमारे पास दो। अब देखिए बी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो, यहाँ पे एक्स की जगह मैं वन पुट कर देता हूँ, ठीक है, एक्स की जगह वन पुट किया तो देखिए टू माइनस एक्स, तो यहाँ तो बनेगा वन इक्वल टू ए वन माइनस टू, ए वन माइनस टू, वन माइनस टू क्या होगा माइनस वन, प्लस बी इंटू वन यानी बी, ठीक है। यहाँ से वन पुट किया वन आ गया, यहाँ से ए वन माइनस टू करेंगे माइनस वन प्लस बी। अब हमारे पास बी की वैल्यू करनी है, तो ए की वैल्यू हमें पता है, ए की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे दो, ए की वैल्यू मैंने यहाँ पे टू पुट कर दी, तो देखिए बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, बी की वैल्यू आ गई माइनस टू होगा, इधर जाके थ्री बन जाएगा, तो बी की वैल्यू हमारे पास आ गई थ्री, ठीक है। अब हमें समाकलन करना है, अब हम इजीली समाकलन कर सकते हैं। देखिए इस हमें इसका समाकलन करना था, जो हमारे पास ये फलन बना था यहाँ तक बना था, तो इसका हम समाकलन करेंगे, तो वन बाई टू का समाकलन तो क्या होगा वन बाई टू इंटू वन इंटू डी एक्स, इस तरीके से लिख सकते हैं, प्लस वन बाई टू समाकलन टू माइनस एक्स अपॉन, इसको क्या लिख सकते हैं टू माइनस एक्स को क्या लिख सकते हैं ये लिखेंगे, तो यहाँ से इसका समाकलन क्या होगा, देखिए यहाँ से एक बार लिख देता हूँ मैं, ए की वैल्यू पुट कर दीजिए दो अपॉन एक्स प्लस बी की वैल्यू आई आपके पास थ्री अपॉन वन माइनस टू एक्स इंटू डी एक्स। देखिए इसका समाकलन ये रहा, ठीक है, इसकी जगह हमने ये लिखा और वन बाई टू है, वन बाई टू, टू माइनस एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं ये टर्म्स लिख सकते हैं, ए और बी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी और ये बन गया। अब हमें सीधा सीधा करना है यहाँ पे समाकलन, ठीक है, तो यहाँ से समाकलन करेंगे, तो देखिए एक बार लिख लेता हूँ वन बाई टू इंटू डी एक्स प्लस वन बाई टू समाकलन, यहाँ से टू कट जाएगा तो एक यहाँ से तो टू से हट जाएगा, टू से टू कटेगा तो वन बाई एक्स प्लस यहाँ से क्या बन जाएगा इंटू डी एक्स लिख सकते हैं, प्लस यहाँ से आएगा वन बाई टू और यहाँ से थ्री है तो थ्री बाहर आ जाएगा, थ्री समाकलन वन अपॉन वन माइनस टू एक्स ये बनेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ से इसका समाकलन करेंगे, इसका समाकलन क्या होगा एक्स बाई टू प्लस इसका समाकलन क्या होगा लॉग एक्स प्लस थ्री बाई टू, इसका समाकलन क्या होगा देखिए इसका समाकलन वन अपॉन वन माइनस टू एक्स है, वन अपॉन वन माइनस टू एक्स है, तो देखिए इसका समाकलन करेंगे वन अपॉन एक्स मान के, तो इसका समाकलन तो हो जाएगा लॉग मोड वन माइनस टू एक्स, लेकिन यहाँ पे वन माइनस टू एक्स है, जब इसका समाकलन करते हैं तो हम डिवाइड करते हैं, तो इसका समाकलन करेंगे तो माइनस टू से डिवाइड करना पड़ेगा, तो माइनस टू से यहाँ से डिवाइड करेंगे तो माइनस टू यहाँ आ जाएगा और टू से डिवाइड करते ये बन जाएगा फोर, और ये क्या बन जाएगा फोर, तो हमारा आंसर आ जाएगा ये। तो थोड़ा ठीक क्वेश्चन था, यहाँ से देखिए इस एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन आपका बोर्ड में लंबा क्वेश्चन जो बड़ा क्वेश्चन है वही क्वेश्चन यहाँ से 7.5 से जरूर आएगा, इस मेथड से जरूर आता है एक क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन है। तो देखिए ये क्वेश्चन भी आपके पास इंपॉर्टेंट है, उचित परिमेय फलन में कन्वर्ट किया फिर इसके बाद में जो सॉल्व किया उसी तरीके से, तो ये हमारा आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स माइनस वन। देखिए उचित परिमेय फलन आपको दे रखा है, यहाँ पे एक्स एक घात है और यहाँ पे तीन घात है। तो देखिए आपके पास वन अपॉन, ये मैंने आपको टाइप बताया ना, इसमें क्या है एक्स माइनस वन, तो इसे हम पहले हम परिमेय आंशिक भिन्नों में तोड़ेंगे, तो ए अपॉन देखिए एक्स माइनस वन तोड़ देंगे, एक्स माइनस वन प्लस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वन है तो इसे लीनियर में तोड़ना पड़ेगा, बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। तो यहाँ से देखिए अब हमें ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स माइनस वन,
ये आपको फ्रैक्शन में लिखना, मैंने आपको पिछली क्लास में कंप्लीट बताया है, जितने भी टाइप थे मैंने आपको कंप्लीट बताया किस तरीके से आपको फ्रैक्शन में तोड़ना है। तो आप नए हैं तो आप पिछले वीडियो को जरूर देखें और उसके बाद में ही आप 7.5 करने की कोशिश कीजिए। तो देखिए ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें पुट यहाँ पे हम क्या करेंगे, अक्ष की देखिए यहाँ पे 1 पुट कर देंगे, अक्ष की वैल्यू 1 पुट करते ये टर्म्स पूरी 0 बन जाएगी। और यहाँ से देखिए 1 इक्वल टू ए, यहाँ से बन जाएगा 2, यानी हमारे पास ए की वैल्यू आ गई 1/2, ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/2। अब हमें बी और सी की वैल्यू ज्ञात करनी है तो हम क्या कर सकते हैं, अक्ष की जगह आप 0 पुट कर दीजिए तो ये 0 बन जाएगा। यहाँ से देखिए ये 0, ए यहाँ से 0 बनेगा, 1 है यहाँ पे 1 हो गया, ठीक है यहाँ 0 बनेगा, ये टर्म 0 बन जाएगी, सी इंटू ये 0, ये -1। ए की वैल्यू आपको पता है 1/2 है तो यहाँ पे मैं रख देता हूँ 1/2। देखिए यहाँ से सी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, सी की वैल्यू भी आ गई हमारे पास 1/2, ठीक है। अब हमें बी बी की वैल्यू ज्ञात करनी है तो बी की वैल्यू ज्ञात करने के लिए आप कुछ भी रख दिए यहाँ पे अक्ष की जगह, यहाँ पे अक्ष की जगह 2 पुट कर देता हूँ, ठीक है। मैं कुछ भी पुट कर सकते हो, आप 3 भी पुट कर सकते हो, -1 भी पुट कर सकते हो, ठीक है, लेकिन 1 पुट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे 1 पुट कर चुके हैं अपन। तो अक्ष की जगह 2 पुट करेंगे तो 2 इक्वल टू ए, यहाँ से देखिए 2 का स्क्वायर 4 + 1 5 ए, प्लस बी अक्ष की जगह 2 पुट किया 2 भी आएगा, प्लस सी, और यहाँ से 2 - 1 1 बन जाएगा। तो यहाँ से देखिए ए और बी की, ए और सी की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास बी की वैल्यू आ जाएगी तो 2 इक्वल टू 5/2 + 2b, प्लस सी की वैल्यू हमारे पास क्या है 1/2। तो देखिए यहाँ से 5/2 और 1/2 6/2 बनेगा तो 3 बन जाएगा, और 2 माइनस, तो देखिए 2 - 3 माइनस का 1 बनेगा और माइनस का 1/2, यहाँ से बी की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस का 1/2, ठीक है। तो अब हमें समाकलन करना, इसका समाकलन करेंगे, ए बी सी की वैल्यू पुट कर दीजिए अपन, तो समाकलन ए की वैल्यू हमारे पास आई, ए की वैल्यू क्या आई 1/2, तो 1/2 1 अपॉन x - 1 इंटू डी एक्स, प्लस बी एक्स प्लस सी की वैल्यू पुट करनी है, बी की वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं, बी की वैल्यू हमारे पास आई माइनस का 1/2 अक्स, प्लस सी की वैल्यू क्या है 1/2, सी की वैल्यू 1/2 अपोन x² + 1 × dx, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 1/2 कॉमन आ जाएगा, 1/2 समाकलन यहाँ से बनेगा x - 1 × dx, प्लस यहाँ से 1/2 हम कॉमन लेंगे तो देखिए 1/2 कॉमन लिया तो ये बन गया x, यहाँ से क्या बनेगा 1 - x अपोन x² + 1 × dx। अब आप अलग अलग डिवाइड कर दीजिए तो यहाँ से 1/2 1 अपॉन x - 1 × dx, प्लस 1/2 1 अपॉन x² + 1 × dx, इसके नीचे ये टर्म्स लिखेंगे माइनस, ये 1/2 इसके साथ चलेगा तो 1/2 समाकलन x अपॉन x² + 1 × dx। अब देखिए इनका समाकलन कर दीजिए, अब इनका समाकलन कर सकते हैं 1/2, इसका समाकलन क्या होगा 1/2 log mod x - 1, प्लस इसका समाकलन क्या होगा, ये समाकलन होता है tan इनवर्स x का, माइनस यहाँ देखिए ये टर्म्स है x² + 1, ऊपर नीचे अपन 2 से गुणा कर देते हैं तो यहाँ तो 4 बन जाएगा और ऊपर बन गया ये। तो अब इसी का आवकलन आपके पास ऊपर लिखा हुआ है तो ये t मानेंगे तो ये dt बन जाएगा, तो आपके पास ये समाकलन हो जाएगा log x² + 1। देखिए आपके पास इस तरीके के क्वेश्चन आप पिछले के वीडियोस में भी देख चुके हो, तो अब यहाँ पे मैं थोड़ा डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ से हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। देखिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है x अपॉन x - 1 का होल स्क्वायर x + 2। तो देखिए मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था x - 1 का स्क्वायर इसको हम किस तरीके से फ्रैक्शन में तोड़ते हैं, तो देखिए यहाँ से हम इसे लिख सकते हैं a अपॉन x - 1 का स्क्वायर है, तो पहले x - 1 + b अपॉन x - 1 का होल स्क्वायर, इस टर्म्स को 2 भागों में तोड़ दिया, प्लस इस टर्म्स को क्या लिखेंगे c अपॉन x + 2। अब a b c की वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो देखिए x इक्वल टू
यहाँ से x माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस टू एलसीएम आएगा, तो यहाँ से x प्लस एक्स माइनस वन तो एक कट जाएगा और यहाँ से आएगा x माइनस वन एक्स प्लस टू, इसी तरीके से b, और यहाँ से आएगा x प्लस टू प्लस सी एक्स माइनस वन का स्क्वायर। एलसीएम लेके सोल्व कर दिया। अब हमें a, b, c की वैल्यू फाइंड करना है, तो हम पुट करेंगे x इक्वल टू, देखिए एक की वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो x की जगह हम वन पुट कर सकते हैं, एक तरीका नहीं, देखिए वन पुट करेंगे तो ये टर्म्स और ये टर्म्स तो जीरो बन जाएगी, तो सबसे पहले अपन x को वन पुट कर देते हैं, तो x को वन पुट करेंगे तो ये टर्म्स तो जीरो बन गई और b की वैल्यू आएगी हमारे पास, तो यहाँ से वन इक्वल टू ये जीरो बन गया और यहाँ से वन पुट करते ही b की वैल्यू आ गई वन बाई थ्री, ठीक है। देखिए यहाँ से वन प्लस टू थ्री बनेगा तो वन बाई थ्री। इसी तरीके से अगर आप x की जगह देखिए यहाँ पे हम और क्या पुट कर सकते हैं, x की जगह माइनस टू पुट करेंगे, x की जगह माइनस टू पुट करेंगे तो ये जीरो बन जाएगा, ये जीरो बन जाएगा, तो x की जगह माइनस टू पुट कर देंगे तो यहाँ तो बन जाएगा माइनस टू, ये जीरो बन जाएगा, ये जीरो बन जाएगा, और यहाँ से माइनस टू पुट किया आपने तो माइनस टू पुट करते माइनस थ्री बन गया, माइनस थ्री का स्क्वायर करें तो नौ आएगा, तो नाइन सी हो गया, माइनस टू इक्वल टू नाइन सी, यानी हमारे पास सी की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का टू बाई नाइन। अब हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ए की वैल्यू ज्ञात करने के लिए अब आप एक्स की जगह जीरो पुट कर दीजिए। मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि आप किस तरीके से इनकी वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए एक्स की जगह हमने माइनस वन वन पुट किया, माइनस टू पुट किया, अब हम एक्स की जगह जीरो पुट कर देंगे तो एक्स इक्वल टू जीरो, यहाँ तो जीरो बन जाएगा, यहाँ देखिए माइनस ए और यहाँ पे जीरो है तो माइनस का टू, माइनस का टू ए, देखिए ये जीरो बन गया तो माइनस का वन आएगा, यहाँ से जीरो पुट करते टू आएगा तो माइनस का टू ए, प्लस यहाँ जीरो पुट करते टू भी आएगा, प्लस यहाँ से जीरो पुट करते माइनस वन का स्क्वायर वन होता तो यहाँ से सी आ गया, ठीक है, यहाँ से सी। अब देखिए बी और सी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए तो हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी, माइनस टू ए प्लस टू, बी की वैल्यू क्या आई वन बाई थ्री, यानी टू बाई थ्री, माइनस यहाँ से सी की वैल्यू क्या है माइनस का टू बाई नाइन, माइनस का टू बाई नाइन, तो देखिए और यहाँ से ये आ गया जीरो, जीरो के बराबर है। तो देखिए यहाँ से जब हम सोल्व करेंगे तो देखिए जीरो, ये तो टू से टू टू, ये तो जीरो है तो कट जाएगा, यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ गई, इधर आएगा ए, तो ए की वैल्यू यहाँ से आ गई, देखिए यहाँ से नाइन एलसीएम आएगा तो थ्री, थ्री माइनस वन यानी टू बाई नाइन, नाइन एलसीएम आएगा तीन, ठीक है, यहाँ से तीन माइनस एक दो बटे नौ, दो बटे नौ, ये आ गया हमारे पास ए की वैल्यू। अब हमें समाकलन करना है तो हमारा देखिए समाकलन क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू तो हमारे पास टू बाई नाइन आई, टू बाई नाइन वन अपोन एक्स माइनस वन इंटू डी एक्स, प्लस बी की वैल्यू हमारे पास क्या है वन बाई थ्री, वन बाई थ्री समाकलन वन अपोन एक्स माइनस वन का स्क्वायर इंटू डी एक्स, प्लस सी की वैल्यू क्या है माइनस का टू बाई नाइन, माइनस का टू बाई नाइन समाकलन वन अपोन एक्स प्लस टू इंटू डी एक्स। अब इनका समाकलन कर दीजिए, इनका समाकलन देखिए इसका समाकलन क्या हो जाएगा, यहाँ पे कर देता हूँ, इसका समाकलन क्या होगा, देखिए टू बाई नाइन, टू बाई नाइन लॉग एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन प्लस देखिए वन अपोन एक्स माइनस वन का स्क्वायर, वन अपोन एक्स स्क्वायर का समाकलन होता है माइनस का वन अपोन एक्स, वन अपोन एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या होता है माइनस का वन अपोन एक्स, तो देखिए वन अपोन एक्स माइनस वन का स्क्वायर है तो माइनस का वन अपोन एक्स माइनस वन आएगा, तो यहाँ से माइनस को बाहर आ जाएगा माइनस का वन बाई थ्री वन अपोन एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन इसका समाकलन माइनस का वन बाई थ्री वन अपोन एक्स माइनस वन हो जाएगा, और इसका समाकलन देखिए यहाँ से माइनस है यहाँ पर आएगा माइनस टू बाई नाइन लॉग मोड एक्स प्लस टू और एक कांस्टेंट सी। अब देखिए यहाँ से टू बाई नाइन कॉमन आ रहा है इस टर्म्स और इस टर्म से, तो यहाँ से टू बाई नाइन हम कॉमन ले लेंगे, फिर बचेगा लॉग लॉग मोड एक्स माइनस वन माइनस लॉग एक्स प्लस टू और ये बाहर अलग रहेगा वन अपॉन थ्री एक्स माइनस वन, ठीक है।
अब देखिए लॉग एम माइनस लॉग एन, लॉग एम अपॉन एन बन जाएगा, लॉग एम अपॉन एन, और ये बन जाएगा 1/3 एक्स माइनस 1 + c। ये हमारा आंसर, ठीक है। देखिए 9 नंबर का अपन क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन आपको दे रखा है 3x + 5 / x³ - x² - x + 1। तो देखिए यहाँ पे लीनियर इक्वेशन है और यहाँ पे क्यूबिक इक्वेशन है, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे आपको क्यूबिक इक्वेशन के फैक्टर करने हैं, तो आपको यहाँ से क्यूबिक इक्वेशन सोल्व करने आनी चाहिए, ठीक है, इसके फैक्टर करने आने चाहिए। तो देखिए सबसे पहले जब भी आपके पास क्यूबिक इक्वेशन हो तो उसको हम सोल्व करने के लिए एक वेरिएबल, हम कोई भी एक्स की वैल्यू हम 0, 1, -1 पुट करके देखते हैं कि वो संतुष्ट हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि देखिए एक्स की जगह आप 1 पुट करके देखिए, 1 यहाँ पे 1 पुट करेंगे 1 बनेगा, यहाँ पे 1 पुट करेंगे इससे कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 1 पुट करेंगे और यहाँ से 1 है तो यहाँ 0 बन गया, यानी यहाँ से एक्स की जगह हमने एक्स की जगह 1 पुट करके देखा तो इस इक्वेशन को संतुष्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से यानी एक्स बराबर 1 इसका एक मूल है, यानी मैं ये बोल सकता हूँ कि इसका एक मूल क्या होगा, एक्स बराबर 1 है तो एक्स माइनस 1 से भाग जाएगा ये, तो जब एक्स माइनस 1 से भाग जाएगा x³ - x² - x + 1। तो बाकी एक मूल तो आपको ऐसे देख के निकालना है कि x की जगह 1 पुट किया, -1 पुट करके देखा कि क्या ये 0 के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर 0 के बराबर आ रहा है तो इसका एक मूल होगा और उसका हम भाग देंगे, तो x माइनस 1 हो गया, तो x माइनस 1 का हम इसमें भाग देंगे। तो देखिए यहाँ से यहाँ लिख लेते, ठीक है, एक्स माइनस 1 का यहाँ पे भाग देंगे तो देखिए यहाँ से बनेगा x², तो देखिए x³ बन गया -x², यहाँ से ये कट गया तो ये तो पूरी टर्म्स कट गई और यहाँ पे 0 बच गया, आगे की टर्म्स उतरेगी -x + 1, तो -x + 1 है तो यहाँ से क्या करेंगे -1, तो ये पूरा पूरा भाग चला जाएगा यहाँ से 0, ठीक है। तो देखिए इसके जो इसके फैक्टर थे, इसके फैक्टर क्या क्या हो गए, इसका हमने 3x + 5 है अपॉन, एक फैक्टर हमने निकाला x माइनस वन, और दूसरा फैक्टर हमारे पास क्या आया x² - 1। यहाँ पे देखिए x² - 1 इसका भागफल क्या रहा है x² - 1। इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, और अगर मैं इसे और फैक्टर में लिखूँ तो देखिए यहाँ पे a² - b² का फॉर्मूला बन रहा है, तो x - 1 यहाँ से x - 1 और आएगा यानी x - 1 का स्क्वायर हो गया और यहाँ से बन गया x + 1। आपको समझ में आ गया होगा, देखिए यहाँ पे एक x² - a² है तो x - 1 मैंने बाहर लिख लिया, तो x - 1 यहाँ पे लिखा हुआ है तो इसका स्क्वायर बन जाएगा और यहाँ से x + 1 बन गया। अब इसके फैक्टर कर दीजिए, ठीक है, इसका आप आंशिक भिन्नों में तोड़ दीजिए, तो यहाँ से तोड़ेंगे तो x - 1 + b / x - 1² + c / x + 1, जो आपका पिछला क्वेश्चन था वही सेम क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है, उसी की तरह बन रहा है। देखिए x - 1² हो गया x + 2, इसी तरीके से अपन फैक्टर किया, तो देखिए इसके 3x + 5 = ये क्या बन जाएगा a x - 1 + b x + 1 + c x + 1 ही आ गया, तो x - 1 का स्क्वायर बनेगा, यहाँ तक ठीक है। ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, देखिए x की जगह 1 पुट कर देंगे, एक बार x की जगह 1 पुट करेंगे, यहाँ तो बन जाएगा 1 है तो 3, 5, 8 बनेगा = ये 0 बन जाएगा, और यहाँ से ठीक है आपने कुछ गलती कर दी, नहीं देखिए ये टर्म्स 0 बन जाएगी, ये टर्म्स 0 बन जाएगी, यहाँ पे 1 पुट किया तो बी 2b आएगा, तो हमारे पास b की वैल्यू क्या आ गई, b की वैल्यू आ गई 4, ठीक है। इसी तरीके से अपन यहाँ पे x की जगह क्या पुट कर सकते हैं, -1 पुट कर सकते हैं, तो ये टर्म्स और ये टर्म्स 0 बन जाएगी, x की जगह -1 पुट किया तो x की जगह -1 पुट करते हैं -3 + 2 - 3 + 5 होगा, तो यहाँ से 2 बनेगा = ये टर्म्स 0 बन जाएगी, ये टर्म्स 0 बन जाएगी, और यहाँ पे -1 पुट करेंगे तो x की जगह -1 पुट करते -2 का स्क्वायर बनेगा तो 4c बनेगा, तो 4c, तो यहाँ से c की वैल्यू क्या आ गई 1/2। अब देखिए
यहाँ से और क्या पुट कर सकते हैं अपन, हमें क्या निकालना है, ए की वैल्यू, ए की वैल्यू और निकालना है। तो यहाँ से अक्स की जगह जीरो पुट कर दीजिए, अक्स की जगह जीरो पुट करेंगे तो यहाँ से ये जीरो बन गया, फाइव इक्वल टू, यहाँ पे जीरो बनेगा माइनस वन बनेगा, यहाँ पे प्लस वन, यानी माइनस का ए प्लस, ये जीरो ये बी बन जाएगा प्लस, यहाँ पे जीरो है वन बनेगा सी हो जाएगा। ए बी और सी की वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ पे बी की वैल्यू फोर है माइ प्लस, यहाँ पे वन बाई टू प्लस, और यहाँ पे माइनस ए है इक्वल टू फाइव। अब देखिए यहाँ से माइनस ए है इधर आ जाएगा ए तो, और फाइव उधर जाएगा तो माइनस का फाइव बनेगा, माइनस फाइव प्लस फोर करेंगे माइनस का वन होगा, और माइनस का वन में से वन बाई टू घटाएंगे तो माइनस का वन बाई टू बचेगा, माइनस का वन बाई टू। ठीक है, अब इनका समाकलन कर देते हैं। इसका समाकलन देखिए ये होगा समाकलन, ए की वैल्यू आई हमारे पास माइनस का वन बाई टू, माइनस का वन बाई टू वन अपॉन एक्स माइनस वन इंटू डी एक्स प्लस, बी की वैल्यू हमारे पास फोर है, फोर वन अपॉन एक्स माइनस वन का स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस, सी की वैल्यू हमारे पास वन बाई टू है, वन बाई टू समाकलन वन अपॉन एक्स प्लस वन। इसका समाकलन कर दीजिए पिछले क्वेश्चन की तरह, माइनस का वन बाई टू लॉग मोड एक्स माइनस वन, ठीक है, प्लस इसका समाकलन क्या होगा, इसका समाकलन होगा माइनस फोर तो है, और इसका समाकलन मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था माइनस का वन अपॉन एक्स माइनस वन प्लस वन बाई टू लॉग एक्स प्लस वन, ये बनेगा। अब देखिए यहाँ से वन बाई टू कॉमन आ जाएगा, तो वन बाई टू यहाँ से कॉमन आएगा, मैंने कॉमन ले लिया तो लॉग एम माइनस लॉग एन बनेगा, तो लॉग एम अपॉन एन बन जाएगा एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन, ये बनेगा प्लस माइनस का फोर अपॉन एक्स माइनस वन प्लस सी, ये हमारा आंसर। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पे क्यूबिक इक्वेशन को सोल्व करना आना चाहिए था, तो यहाँ पे हमने पुट करके ये सोल्व कर लिया। ठीक है, ये स्टेप करते हमारे पास पिछला क्वेश्चन ही बन गया उसी तरीके से अपन ने सोल्व किया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 2x माइनस थ्री अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन 2x प्लस थ्री। देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं, और इसे और फैक्टर में लिखे 2x माइनस थ्री, एक्स स्क्वायर माइनस वन को क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस वन को एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन लिख सकते हैं, और ये तो ही आपके पास 2x प्लस थ्री। अब इनके परिमेयीकरण आपके पास इनके कर देंगे अपन, ठीक है, इनको विभाजन कर देंगे आंशिक भिन्नों में, तो a अपॉन एक्स प्लस वन प्लस बी अपॉन एक्स माइनस वन प्लस सी अपॉन टू एक्स प्लस थ्री, ये बनेगा। तो यहाँ से 2x माइनस थ्री इक्वल टू क्या बन जाएगा, a एक्स माइनस वन 2x प्लस थ्री प्लस b, यहाँ से x माइनस वन आ गया तो यहाँ से x प्लस वन आएगा और 2x प्लस थ्री। इसी तरीके से c, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं सी, सी टू एक्स प्लस थ्री होगा तो x प्लस वन और x माइनस वन आएगा। ठीक है, अब हमें a, b, c की वैल्यू फाइंड करनी है, तो देखिए a की वैल्यू हम फाइंड करें तो यहाँ से x की जगह माइनस वन पुट कर देंगे, x की जगह माइनस वन पुट करेंगे तो ये टर्म्स जीरो बन जाएगी और ये टर्म्स जीरो बन जाएगी, तो आपके पास ये टर्म्स बचेगी, तो x की जगह माइनस वन पुट कर दे तो माइनस टू माइनस थ्री कितना बनेगा, माइनस फाइव इक्वल टू, यहाँ पे माइनस वन पुट करेंगे तो माइनस का टू होगा, माइनस का टू ए इन टू, यहाँ पर माइनस वन पुट किया तो माइनस वन प्लस थ्री, माइनस टू प्लस थ्री तो वन बचेगा, तो ठीक है यहाँ पे तो बच गया माइनस टू ए, तो देखिए माइनस से माइनस कट गया तो हमारे पास ए की वैल्यू क्या आ गई, फाइव बाई टू, ए की वैल्यू हमारे पास आ गई फाइव बाई टू। इसी तरीके से अपन अगर बी की वैल्यू फाइंड करना चाहिए तो देखिए यहाँ से एक्स की जगह अपन वन पुट कर दें, यहाँ पे एक्स माइनस वन है, यहाँ पे भी एक्स माइनस वन है, एक्स की जगह वन पुट कर देंगे तो ये टर्म्स और ये टर्म्स जीरो बन जाएगी कम्प्लीट, तो एक्स की जगह आप वन पुट कर दीजिए तो यहाँ से टू माइनस थ्री कितना होगा, माइनस वन इक्वल टू, ये टर्म जीरो ये टर्म जीरो, यहाँ से बी, यहाँ से एक्स की जगह वन पुट किया तो टू, और यहाँ से बनेगा टू प्लस थ्री फाइव यानी टेन, ठीक है, फाइव टू जब टेन, यानी यहाँ से आपके पास बी की वैल्यू आ गई माइनस का वन बाई टेन,
ठीक है ना। अक्स की जगह 1 पुट किया, 2, 3 टू 5, 5 टू जा 10, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम सी की वैल्यू फाइंड करना चाहिए तो सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ से x माइनस वन है, x प्लस टू है, x प्लस वन है, तो x की वैल्यू 0 ही पुट करना पड़ेगा। तो x की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए तो ये 0 बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा माइनस थ्री इक्वल टू, यहाँ से a ये बनेगा माइनस वन और यहाँ से 3, यानी माइनस का 3a प्लस, यहाँ पे 0 पुट किया तो ये तो 1 बन गया, यहाँ 0 पुट किया ये 3 बन गया, तो 3b बन जाएगा प्लस, यहाँ 0 यहाँ 0 माइनस का c बनेगा माइनस c। a और b की वैल्यू अपन रख देंगे तो a और b की वैल्यू यहाँ से पुट करें, a और b की वैल्यू माइनस का 3 और यहाँ से a की वैल्यू 5 बाई टू है तो 15/2, ठीक है। यहाँ से b की वैल्यू हम पुट करें तो माइनस का 3/10 होगा माइनस c इक्वल टू माइनस। तो देखिए यहाँ से c की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, c की वैल्यू आ जाएगी, c की वैल्यू देखिए ये माइनस 3 उधर जाएगा तो यहाँ से माइनस का 15/2 माइनस का 3/10 और ये बन जाएगा प्लस का 3। यहाँ से आप एलसीएम ले लीजिए 10, एलसीएम लेंगे अपन 10, तो देखिए यहाँ से 5 आएगा तो यहाँ से 15/75 माइनस का 75 प्लस, ठीक है माइनस होगा माइनस 3 प्लस और यहाँ से कितना बन जाएगा 30, ठीक। तो देखिए यहाँ से आ जाएगा आपके पास देखिए 30 45, ठीक है 48 माइनस का 48/10 यानी माइनस का 24/10 माइनस का 24/5 ये आ जाएगा सी की वैल्यू, हमारे पास सी की वैल्यू आ गई माइनस का 24/5, ठीक है। तो अब हम इनका समाकलन कर देंगे तो देखिए ए की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे, ए की वैल्यू हमारे पास आई 5/2, 5/2 समाकलन 1/x + 1 dx प्लस बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू है माइनस का 1/10, माइनस का 1/10 समाकलन 1/x - 1 dx। इसी तरीके से सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, माइनस का 24, माइनस का 24/5 समाकलन 1/2x + 3 dx, ठीक है। अब इनका समाकलन कर दीजिए आप, तो देखिए इनका समाकलन करेंगे तो 5/2 1/x + 1 है, इसका समाकलन क्या हो जाएगा 5/2 log mod x + 1, ठीक है। यहाँ से देखिए इसका समाकलन क्या होगा, इसका समाकलन हो जाएगा माइनस का 1/10 log mod x - 1। अब देखिए यहाँ से इसका समाकलन क्या होगा, इसका समाकलन क्या होगा माइनस का 24/5 log 2x + 3, लेकिन यहाँ पे 2x + 3 है, ठीक है। देखिए 2x + 3 है तो इसका जब अवकलन करके अपन भाग देते हैं तो देखिए इसका अवकलन करेंगे तो 2 का भाग देना पड़ेगा, तो यहाँ से जब हम 2 का भाग देंगे तो ये 12 ये 24 है तो दो बार कट जाएगा 2 से, माइनस का 12/5 प्लस सी, तो हमारा आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम 10 से आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं वो करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।